क्या आपको पता है मार्केट में एक नंबर ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है? शादी करो करोड़ों कमाओ, ये स्कीम एक नंबर पे। ये जो स्कीम है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोड़ों इनकम, बैठ बैठ के खाओ और एक पकड़ो, बैठ बैठ के खाओ, ऐसे ही चल रहा है। ये जो स्कीम है, इस स्कीम में एक भाई जो इस स्कीम में फंस गया, उसने एक मैसेज किया है। वो मैसेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा और क्या करे इस हालत में, वो भी आपके साथ, उस लीगल ज्ञान भी आपके साथ मैं बांटूंगा। थोड़ा सा पेशेंस में आपको सुनना है। अगर कोई कोई भाई सोच रहे हैं कि थोड़ा स्किप करते, आप तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगला जो नंबर है वो आप भी हो सकते हैं, आपके साथ भी। ये शादी करो और करोड़ों कमाओ, ये स्कीम का विक्टिम आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पबजी और गूगल और फेसबुक थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बंद करें और सुनिए क्या है हालत और क्या आप लोगों के साथ हो सकता है। ऐसा स्कैम घर घर में हो रहा है, तो सुनिए, जस्ट सुनिए। पढ़ने जा रहा मेरे बीबी के साथ 2023 में दिल्ली कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज हुआ था। उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि जल्दी हम दोनों सोशल मैरिज कर लेंगे और सोशल मैरिज के बाद हम दोनों एक साथ रहना भी स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद हम दोनों के सोशल मैरिज अर्थात जो सामाजिक विवाह है वो नहीं हुआ था और कभी भी हम दोनों एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह एक रूम शेयर नहीं किया था, एक छत के नीचे नहीं रहा था, मतलब वो स्टे नहीं किया था, मतलब एक प्रीमिसेस में। हम दोनों इतने बिजी रहते थे कि मीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। फोन पर हम दोनों का बात होता था, कभी भी बिग साइज झगड़ा था, बड़ा प्रकार का जो झगड़ा होता है वो नहीं हुआ था। लेकिन बात करते करते हम दोनों डिसीजन मेकिंग किया था कि हम दोनों के ख्यालात अलग अलग है, मतलब टेस्ट एंड हैबिट लोगों के अलग अलग है, तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसके लिए ब्रेकअप करेंगे, मतलब एक दूसरे को छोड़ देंगे। म्यूचुअल डिवोर्स की बात हुआ था, प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद बीबी ने सडनली मुझे रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट किया था। मैं वहां पर गया था और वाइफ मुझे 1 करोड़ रुपया का डिमांड किया। मैं साफ साफ इनकार किया था। इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस स्टेशन से 41A सीआरपीसी का नोटिस आया मेरे पास। उस पे मेरे मां, मेरे पापा और मेरे भाई का नाम भी था, मतलब उस नोटिस में उसका भाई, मां, बाबा सबका नाम था और उसका नाम भी था। इसके बाद नोटिस का कॉपी लेके जब पुलिस स्टेशन में गया था और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ जब मीट किया था, हम जान पाए कि वाइफ ने हम लोगों पर 498A आईपीसी का केस फाइल किया था, मतलब 498A आईपीसी का केस लॉन्च किया था। कब उसको जानकारी मिला? पुलिस स्टेशन में जाने के बाद, पहले नहीं। सर प्लीज बताइए क्या करें, कैसे ये झूठी कॉम्प्लेन से हमें मुक्ति मिलेगा। ये है आज का ट्रेंडिंग स्कैम। शादी होता है, उसके बाद फंसा के कुछ दिन रहता है और एक 498 आईपीसी का केस लॉन्च कर देता है, मेंटेनेंस का केस लॉन्च कर देता है और उसके बाद डिमांड करता है इतना तो ये होता है। लेकिन इसका भाई जो है, ये भाई उसके साथ
मतलब एक रात भी, एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा, फिर भी उसके ऊपर ये केस आया। सोचिए कितना भयानक हो रहा है आज की हालत। क्या करे वही बताने वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना है और कोर्ट में जाके आपका जो मैरिज है उसको नाल एंड वॉइड करना है। क्योंकि ये जो मैरिज है, आप एक हिंदू है, नाम आपको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चिट्ठी है इसका जो टाइटल है इससे मालूम हो रहा है कि ये एक हिंदू है, और इसके बीवी का जो नाम है वो भी हिंदू है। तो दोनों हिंदू अगर रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं और सोशल मैरिज उनका नहीं हुआ, ये जो शादी है ये इनवैलिड है। हाँ ठीक ही सुना, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कब कहा सुप्रीम कोर्ट में, 19 अप्रैल 2024, मतलब इस साल ही कहा है। कौन सा केस था? केस था मनीष कुमार वर्सेस डॉली सिंह का। उस केस में क्या हुआ, दोनों ही कमर्शियल पायलट थे, दोनों का यो कोर्ट मैरिज हुआ था। उसके बाद दोनों जब डाइवोर्स मांगने गए कोर्ट में, तब कोर्ट को पता चला उनका सात फेरे मांग भरना जैसा रस्म है हिंदुओं का, वो करके नहीं हुआ। जो सही समारोह है, जो अनुष्ठान है, वो उस शादी में नहीं हुआ था। मतलब क्या हुआ था, ब्रिटिश स्टाइल का शादी हुआ था, मतलब साइन सिग्नेचर शादी हुआ था, रजिस्ट्री मैरिज, कागज का शादी हिंदू में नहीं चलेगा। उसको अगर आपको वैलिड करना है, उसके लिए आपको समारोह के साथ जो संस्कार है उनके साथ उसको आपको करना है, मतलब सात फेरे मांग भरना, ये जो रस्में हैं ये करना है। अगर ये सब नहीं हुआ तो आपके शादी इनवैलिड है और कोर्ट से अप्रोच करना है, तो इसको नाल एंड वॉइड कीजिए और हमें डिग्री दीजिए। ये नाल एंड वॉइड का मैरिज, जो नाल एंड वॉइड हुआ इसका डिग्री आपको कलेक्ट करना है, इसको कलेक्ट कीजिए। हो गया आपका शादी नाल एंड वॉइड। उसके बाद क्या करना है, बीबी के नाम पर क्या करना है, सेक्शन 211 आईपीसी के ऊपर कोर्ट में केस लॉन्च करना है, 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में या थाने में आप केस लॉन्च कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें अगर कोर्ट में करेंगे थोड़ा एक सुविधा है। क्या सुविधा है, कोर्ट में करने से आपको पिटीशन लगाना है कोर्ट में कि बीबी का और मेरा दोनों का सीडीआर विथ टावर लोकेशन चाहिए। आप अगर खुद से ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बीबी का सीडीआर आप मांगेंगे तो आपको नहीं देगा, क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ये किसी के साथ, ये जो कंपनी है मोबाइल का, मतलब कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, ये शेयर नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट का अगर ऑर्डर उसके पास जाएगा तो वो ये शेयर करेगा, आपको नहीं देगा, कोर्ट में वो भेजेगा। अगर कोर्ट में ये पहुंचता है, कोर्ट से क्या करना है, सर्टिफाई कॉपी आपको उठाना है, कि एक दिन में नहीं शेष होगा, वो चलता रहे। लेकिन आपको क्या करना है, इसके बाद वो जो सीडीआर कॉपी आया और डिग्री जो मिला आपको कोर्ट से, जो डिग्री मिला कि ये जो शादी था ये नाल एंड वॉइड है, ये इनवैलिड है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, और क्या करना है, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में जाना है और एफआईआर क्वाशिंग एप्लीकेशन डालना है। और इनमें क्या है, इनमें यही ग्राउंड्स पर आपको एफआईआर क्वाशिंग करना है कि ये जो 498A है, इसमें बीबी के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, इस पर 498A आईपीसी बनता है। अगर ये बीबी नहीं है, अगर ये जो शादी है ये शादी नहीं है, तो इनमें 498A आईपीसी जैसा ऑफेंस कहां से आता है, ये बोलना है। इसके साथ साथ क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेन झूठा है ये भी आपको दिखाना है, किसके थ्रू, टावर लोकेशन के थ्रू, क्योंकि उसका जो टावर लोकेशन जिस टाइम का वो मेंशन किया, इसके इस टाइम इस डेट पर मेरे ऊपर अत्याचार हुआ था, ये जो एलिगेशन है उसको भी आपको क्या करना है, फॉल्स दिखाना है, फॉल्स साबित करना है।
तो आप कैसे कर पाएंगे, ये जो सीडीआर है इसके बदौलत आप ये कर पाएंगे। और सबसे जो अच्छा पॉइंट है वो क्या है, आपको शादी जो है वही इनवैलिड दिखाना है, इसमें आपका एफआईआर क्वेश्चन जल्द से जल्द हो जाए। और अगर एफआईआर क्वेश्चन होता है उसका जो कॉपी ऑर्डर जो मिलता है आपको क्या करना है, आपका जो 211 आईपीसी का जो केस कोर्ट में चल रहा है या थाने में भी आप लॉन्च कर सकते हैं, वहां पर वो कॉपी आपको देना है और बोलना है कि ये भी केस के साथ आप टैग कीजिए। और जब फाइनल चार्जशीट आप साथ मतलब फाइल करेंगे आयोग को बोलना है तो इसको टैग कीजिए। अगर आयोग नहीं करता है, आप जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा आप भी प्राइवेटली ये सबमिट कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो बीवी को 5 साल के लिए फॉल्स कॉम्प्लेंट करने के लिए पनिशमेंट होगा, जेल होगा और फाइन भी हो सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, चुप नहीं बैठना है, सेक्शन 500 आईपीसी के तहत उनके ऊपर मानहानि के केस भी करना है और आप सिविल डैमेज के भी केस कर सकते हैं। मतलब उनको क्या है, सारी केस में घेरना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो फिर एक बंदे को ऐसे ढूंढेगा और उसको भी फिर से ऐसे स्कैम में उसको हड़पने का कोशिश करेगा। ये है क्राइम है, इसको आप अगर चुप करेंगे, चुप हो जाएंगे तो ये क्राइम बढ़ता ही जाएगा। और जो ऐसे ख्यालात वाली जो लड़कियां है उनको शिक्षा मिलेगा कि ऐसा करने से जेल हो सकता है, ठीक है। और आप डरिए मत, आपको इस केस में कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस है आपके पास। मैं तो 2-3 एविडेंसेस का बात आपके साथ शेयर किया हूं। अगर घटना का कोई भी कोई एविडेंसेस नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको ही साबित करना है कि आप उनके साथ क्रुएल्टी हुआ था, वो वहां पर था, ये जो ग्राउंड्स है ये उनको ही साबित करना आपको नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है, मतलब जो कॉम्प्लेंट है उनके ऊपर है कि वो साबित करे कि वहां पर आपके परिवार के साथ वो स्टे किया, उनके ऊपर क्रुएल्टी हुआ, ये जो है वो उनको साबित करना है आपको नहीं। लेकिन 211 आईपीसी में वो केस में कॉम्प्लेंट आप है, मतलब आप है खुद, तो आपको ही साबित करना है कि आप वहां पर नहीं थे और ये जो केस है इसमें उसको मतलब जो सीडीआर सर्टिफाइड जो सीडीआर कॉपी आपको मिलता है वो आपको आयोग को देना है या कोर्ट में सबमिट, कोर्ट में होता है तो कोर्ट को खुद ऐसे ही कोर्ट को मिल जाता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। अगर थाने में केस करते हैं तो थाने में आपको क्या करना है, आपको देना है। अगर 156 क्लॉज 3 में सीआरपीसी में अगर केस कोर्ट ग्रांट नहीं करता है तो आपको 202 सीआरपीसी में प्राइवेट कॉम्प्लेंट डालना है, मतलब चेष्टा आपको करना ही है। अगर थाने में नहीं लेता है तो आपको मेल करना है, जो सुपीरियर ऑफिसियल का जो ऑफिस होता है वहां पर पुलिस का कर सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में चिट्ठी कर सकते हैं, आपके मम्मी वुमेन कमीशन में चिट्ठी कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं, मतलब चारी ओर से आपको घेरना है और उसको भी पता चले कोर्ट का चक्कर देना कितना कठिन होता है, ठीक है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।